हेलो फ्रेंड्स, मैं सी अपनी जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए काफी रेलिवेंट है। यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने पैन कार्ड को किस तरह से सरेंडर कर सकते हैं। पूरा प्रोसेस मैं यहां पर बताऊंगा, वीडियो काफी शॉर्ट में रहेगा। किसी भी फेक वेबसाइट के थ्रू आप ऑनलाइन अपना पैन सरेंडर मत कीजिएगा, वरना आपकी जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो ब्रीच हो सकती है। ठीक है, उसका मिसयूज भी हो सकता है, तो ध्यान दीजिएगा जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ। ये सिंगल एंड वन एंड ओनली प्रोसेसेस के थ्रू आपको प्रोसीड करना है। ये रही इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट www.incometax.gov.in। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने पैन कार्ड को रजिस्टर कर लेना है, अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है। रजिस्टर करने के बाद ही आप इस पैन कार्ड को सेंडर करने के लिए प्रोसेस को इनिशिएट कीजिएगा। अब जब मैं यहाँ पर लॉगिन क्रिएट कर लूंगा, मतलब एक बार आपके पास जो लॉगिन आईडी पासवर्ड आ जाएगा, पासवर्ड जो आप फर्स्ट टाइम क्रिएट करेंगे वही रहेगा, उसके बाद मुझे जो है प्रोसेस फॉलो करना है। ठीक है, इनकम टैक्स की साइट से आपको क्या करना है, लॉगिन क्रिएट करना है, पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप में आपको पता करना है कि आपका जुडिशनल असेसिंग ऑफिसर कौन है। यहां से आप जो है अपने जुडिशनल ऑफिसर का पता लगा सकते हैं बिना लॉगिन किए भी, बट लॉगिन करने के बाद क्या है, आपको आपके पैन कार्ड का स्टेटस भी करेक्ट दिखाई देगा। दूसरा, उसमें आपको यह पता लग जाएगा कि आपने जो है इनकम टैक्स में जो आपका एड्रेस आ रहा है वो क्या एड्रेस है। ठीक है, बाहर से एड्रेस नहीं पता लगेगा आपको। अब मैं यहाँ पे जो है यहाँ पर नोवर एओ पर क्लिक करूंगा, उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर एंटर करना है। पैन नंबर एंटर करने के बाद जो है मोबाइल नंबर कोई भी आप लिख डाल सकते हैं जिसमें आपको ओटीपी रिसीव हो सके, उसके बाद देन यहाँ पर प्रोसीड करना है। तो यहाँ से आपको जुडिशियल ऑफिसर का आपका पता लग जाएगा कि आपका जो जुडिशियल असेसिंग ऑफिसर है वो कौन है। ठीक है, अब यहां पर जो है आपको जुडिशनल डिटेल्स आपकी मिल जाएगी, पूरी सी टाइप से जुडिशनल डिटेल्स आ जाएगी। ठीक है, आप ये वाले जुडिशनल जो डिटेल्स है इससे आप ट्रैक कर लीजिएगा। क्या ट्रैक करेंगे कि ये जो एड्रेस है गूगल पर लोकेट करके आप पता कर लेंगे कि ये कहां पर है। ये पैन वाइज सबके केस में अलग अलग हो, जो आपके जुडिशनल ऑफिस का जो डिटेल्स है वो यहां पर आपको मिल जाएगी कि आपके जुडिशनल ऑफिसर कहां पर बैठते हैं। ठीक है, अब यहां पर आपको जाना है, विजिट करना है। विजिट करने के बाद जो पैन कार्ड आपको सरेंडर करना है वो आपको साथ में लेकर जाना है, उसके साथ साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स भी लगेंगे। मैं भी डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ, पहले लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट डाउनलोड करने हैं, कुछ यहां से भी डाउनलोड करने हैं, कुछ आपको अटैचमेंट्स भी यहां पर लगानी है। एक प्रॉपर लेटर लेकर आपको जाना है, उस लेटर के साथ साथ आपको एफिडेविट भी लेकर जाना है। एफिडेविट में लिखना है कि सर ये पैन कार्ड है जो कि इस डेट में इस वजह से इशू हुआ था, जो कि करेक्ट पैन कार्ड है, और एक रोंग पैन कार्ड जो है आपको इशू हो गया है, या फिर कोई भी अदर रीजन हो सकता है, वो आप एक बार चेक कर लेंगे। ठीक है, ये जुडिशियल डिटेल्स एक एग्जाम्पल है। इसी तरह से आपको अपने पैन कार्ड का चेक करना है जो मैंने बताया है। अभी मैं यहां पर लॉगिन कर लेता हूं। अब जो है यहां पर लॉगिन करने के बाद आपको चेक करना है ई फाइल के अंदर में व्यू फाइलिंग रिटर्न फॉर्म। तो आप चेक कीजिएगा कि आपने इस वाले पैन कार्ड पर जो कि आपको सरेंडर करना है इस पर आपने कोई रिटर्न तो फाइल नहीं की हुई। ठीक है, तो अगर आपने रिटर्न फाइल की हुई है तो लेटेस्ट आपको 3 इयर्स की यहां से आईटीआर डाउनलोड करनी है, उसके साथ साथ यहां पर एक इंटीमेशन ऑर्डर है वो भी डाउनलोड करना है। ठीक है, तो पहले स्टेप में मैंने बताया है आपको डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लिस्ट तैयार करनी है, जो पैन कार्ड सरेंडर करना है वो लगाना है, जो एफिडेविट है वो लगाना है। तीसरे नंबर पे जो रिटर्न है लेटेस्ट 3 इयर्स की रिटर्न लगा देनी है। थर्ड नंबर पे आपको जो है ये चेक करना है कि यहां पर आपकी कोई भी आउटस्टैंडिंग डिमांड ना हो। अगर यहां पर आपकी कोई आउटस्टैंडिंग डिमांड है तो आप नोट कर लीजिए कि जो आपका ये पैन कार्ड है वो सरेंडर नहीं हो पाएगा। ठीक है, जब तक यहां पर डिमांड रहेगी, असेसिंग ऑफिसर के पास पावर नहीं है कि आपका जो पैन कार्ड है वो सरेंडर हो जाए। फोर्थ नंबर पे ई प्रोसीडिंग्स पर एक बार क्लिक कर लीजिएगा। ई प्रोसीडिंग्स में चेक जरूर कीजिएगा कि आपके यहां पर कोई ऐसा एक्शन पेंडिंग ना रहो कि आपकी प्रोसीडिंग्स चल रही हो, किसी भी प्रोविजन में प्रोसीडिंग चल रही हो, तब भी आप पैन कार्ड सरेंडर नहीं कर सकते हैं। यहां पर आपके लिए इंफॉर्मेशन आएगी, किसी अदर पैन के लिए भी हो सकता है कि आपके ऊपर प्रोसीडिंग्स चल रही हो। तो अगर ये वाले स्टेप आपके क्लियर है तब आप पैन कार्ड सरेंडर कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो लॉगिन मैंने इसलिए क्रिएट करवाया है कि आप यहां से रेस्पॉन्डिंग टू आउटस्टैंडिंग डिमांड चेक कर सके, प्रोसीडिंग चेक कर सके। दूसरा, जो असेसिंग ऑफिसर है वो तो आपको बाहर से भी पता लग जाता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। आप यहां पर माई प्रोफाइल में जाकर भी यहां से भी चेक कर सकते हैं। मैं भी आपको यहां से भी दिखा देता हूं। देखिए, एक दूसरा पैन कार्ड का मैं आपको एग्जाम्पल देके बता रहा हूं। आपको यहां पर जो है जुडिशनल डिटेल्स पर क्लिक करना है तो आपको ये डिटेल्स यहां से मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको फिर जो बिल्डिंग है उसका भी करेक्ट एड्रेस यहां से मिल जाएगा।
अब लॉगिन करने का बेनिफिट है कि यहां से आपको एड्रेस भी मिल गया, दूसरा जो है जुडिशियल डिटेल्स भी आपको करेक्ट मिल गई। बाकी मैंने बाहर से भी दिखाया था आपको, बिना लॉगिन किए भी आप एक जो है कर सकते हैं। तो मैंने आपको चार चीजें बताई है, वो चारों चीजें आपको लेकर डिपार्टमेंट में विजिट करना है। जो पैन कार्ड है वो ओरिजिनल लेके जाइएगा, आइडेंटिटी और एड्रेस वेरीफाई करने के लिए आप आधार कार्ड भी साथ में ले जा सकते हैं। रिक्वेस्ट लेटर में सिंपल सा आपको लिखना है कि आपको ये पैन कार्ड सरेंडर करना है और इसका ये रीजन है। इसके बाद जो आप ये डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे, ये आप 3 कॉपी में लेके जाने हैं आपको, जो असेसिंग ऑफिसर है वो डिटेल्स वेरीफाई करेंगे। उसके बाद अगर उनको लगता है कि आपके पैन कार्ड पर कोई डिमांड नहीं है, कोई एक्शन इनिशिएट नहीं हो रखा है, तो केवल और केवल असेसिंग ऑफिसर के पास ही पावर है कि वो पैन कार्ड सरेंडर की रिक्वेस्ट जो है जनरेट करवा सकते हैं। वो भी रिक्वेस्ट जनरेट होगी, फिर उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सारी चीजें वेरीफाई होगी, कोई अगर बड़ा केस नहीं है तो कमिश्नर लेवल तक भी वेरीफाई होगी सारी चीजें। उसके बाद आपका जो पैन है वो सरेंडर होगा, और सरेंडर होने के बाद वो इनएक्टिव पैन में यहाँ पर कवर होगा, ठीक है। इसके अलावा कोई भी दूसरा प्रोसेस नहीं है, किसी भी फेक वेबसाइट के थ्रू आप प्रोसेस मत करिएगा। या पहले क्या हुआ करता था, कोई भी 10NSDL की साइट पे जाकर वो एक नया फॉर्म कीजिए, आप जो है पैन करेक्शन वाला फॉर्म भर दो, तो उसमें जो एक ऑप्शन आता है कि यहाँ से पैन सरेंडर हो जाता है, कि आपके पास जितने पैन है वो डाल दीजिए। अब ऐसा कोई प्रोसेस नहीं रहा है, NSDL की साइट पर भी क्लियरली यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आपको ऐसा करना है तो आपको इनकम टैक्स ऑफिसर से ही मिलना पड़ेगा, उनको रिक्वेस्ट लेटर के साथ, और जो अटैचमेंट्स है वो मैंने आपको क्लियर बताई दी है। इन सारे अटैचमेंट्स के साथ 3 सेट में आपको लेकर जाना है, 2 सेट वहां पर सबमिट होंगे, एक पर आपको रिसीविंग लाकर अपने पास रखना है। फिर उसके बाद आपको कम्युनिकेशन आएगा इसका, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे तो आपसे डिमांड कर ले जाएंगे, आप डिमांड वहां पर जो भी उस पेपर की डिमांड होगी वो आप सबमिट करवा दीजिएगा। ये पावर केवल और केवल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास है, किसी भी ऑफिशियल साइट के पास ये पावर नहीं है कि आपके पैन कार्ड को वो सरेंडर कर सके, ठीक है। जिन लोगों को भी नया पैन कार्ड बनाना है, पुराने को सरेंडर करना है, वो भी सेम प्रोसेस ये फॉलो करेंगे। इसके अलावा मैंने अभी काफी सारे वीडियोज अपलोड किए हुए हैं, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, यहाँ पर आप चेक करेंगे तो इनकम टैक्स GST के काफी सारे वीडियो जो है डेली अपडेट्स में अपलोड करता रहता हूँ। आप एक बार वीडियो देखेंगे तो आपको 100% बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।